आईपीएल 2023 में कई भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वही टीम इंडिया के लिए खेल चुके कुछ खिलाड़ी खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनकी टीम इंडिया में एंट्री लगभग बंद हो चुकी है। मनदीप सिंह ने भारतीय टीम के लिए सिर्फ 3 मैच खेले हैं, इसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई। वो आईपीएल के इस सीजन में भी कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए। भारत के लिए अच्छा परफॉर्म कर चुके मनीष पांडे भी इस सीजन में कुछ खास नहीं कर सके। मनीष पांडे ने 29 वनडे और 39 T20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने T20 में 709 रन बनाए जबकि वनडे में 566 रन बनाए। मनीष पांडे ने भारत के लिए आखिरी मैच जुलाई 2021 में खेला था, इसके बाद वो टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए। आईपीएल में दिल्ली के खिलाड़ी मनीष पांडे ने इस सीजन के 7 मैचों में सिर्फ 133 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है। मनदीप सिंह ने टीम इंडिया के लिए 2016 में डेब्यू मैच खेला था। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। इस मैच के साथ साथ वो कुल 3 मैच ही खेल पाए, इसके बाद भारतीय टीम में उनकी वापसी नहीं हुई। अगर मनदीप सिंह के आईपीएल 2023 में प्रदर्शन की बात करें तो वो निराशाजनक रहा है। मनदीप को 3 मैचों में खेलने का मौका दिया गया लेकिन वो कोलकाता के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने मात्र 14 रन ही बनाए। मयंक भारत के लिए 5 वनडे और 21 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 1488 रन बनाए हैं। इस दौरान मयंक ने 4 शतक और 2 दोहरे शतक लगाए। हालांकि वो वनडे में कुछ खास नहीं कर पाए। मयंक ने भारत के लिए आखिरी मैच मार्च 2022 में खेला था। मयंक अग्रवाल आईपीएल में हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने इस दौरान 9 मैचों में 187 रन बनाए हैं, जिसमें मयंक का साल 2023 में सबसे ज्यादा स्कोर 49 रन रहा है। दोस्तों, क्या लगता है इन तीनों में कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम में वापसी कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।